जय दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनको कि देखकर लगता है कि यार ये मूवीज चलनी चाहिए। ऐसी एक मूवी अभी आई, स्वतंत्र वीर सावरकर भी थी, लेकिन वो चली नहीं। अब उसके पीछे जो भी कुछ कारण रहा हो उस बारे में कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन मैदान का एक बहुत ही धमाकेदार टीजर ट्रेलर लेकिन मैदान का एक बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर आज रिलीज हुआ। अजय देवगन के जन्मदिन के मौके पर रिलीज हुआ ये ट्रेलर वाकई में लोगों को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि मैदान को लेकर भी इस समय काफी नेगेटिव बातें मैदान में चल रही हैं। जी हाँ, मैदान है सोशल मीडिया का। यहां पर पब्लिक ने ट्रेलर इससे पहले जो आया था उसको देखने के बाद कहा था कि यार इस मूवी को लेकर उतनी हाइप नहीं मच रही है, लेकिन ये जो सेकंड ट्रेलर आया है इसमें डायलॉग्स तो काफी हद तक वही है जो पिछले में हमने देखे थे, बट इस बार इस मूवी को लेकर एक बहुत ही क्लियर व्यू भी देखने के लिए मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वही व्यू पब्लिक को अब कोशिश करेगा शायद धक्का मारने की कि भैया थिएटर में तो आपको जाना ही है। प्रिया मणि का भी इसमें थोड़ा सा किरदार खुलकर नजर आया है, और अजय देवगन के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने की इच्छा आपके अंदर पैदा हो जाएगी इस ट्रेलर को देखने के बाद। बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन मैदान में फुटबॉल कोच बने हुए नजर आने वाले हैं। 2 अप्रैल को एक्टर अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उस मौके पर भला वो फैंस को ट्रीट देने में कैसे चूक सकते थे। अजय के बर्थडे पर उनके चाहने वालों के लिए एक्टर की आने वाली फिल्म मैदान का एक और ट्रेलर रिलीज किया गया। इसने सबकी एक्साइटमेंट को वाकई में और बढ़ा दिया है। ट्रेलर की शुरुआत ही अजय के भरोसे के साथ शुरू होती है। प्रिया मणि उनसे कहती है कि पूरी इंडिया में किसी को नहीं लगता कि हम जीतेंगे, लेकिन आपको लगता है, लेकिन कब। ट्रेलर में अजय को एक कोच के तौर पर बेहद कॉन्फिडेंट दिखाया गया है। वो हारता है पर हार नहीं मानता है। उसके आसपास के लोग उसे नीचा दिखाने की, नीचे गिराने की भरसक भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाता है, एक बीच की तरह। ट्रेलर में बोला गया अजय का एक एक डायलॉग फैंस के जहन में बस जाने जैसा है। जैसे अजय कहते हैं कि जो समझ में नहीं आए उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यूजर्स इस ट्रेलर को फायर बता रहे हैं, वहीं अजय की फैंस मान रहे हैं कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के हर एक रिकॉर्ड को तोड़ देगी। यूजर्स का मानना है कि मैदान फिल्म बहुत सही मौके पर आ रही है, जब देश में हर कोई इस खेल से निराश हो रहा है और मान रहा है कि फुटबॉल टीम का बस का कुछ बचा ही नहीं है, और वहां ये फिल्म कारगर साबित हो सकती है। अजय देवगन की इंटेंस एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी रहेगी। ट्रेलर में अजय देवगन का संघर्ष दिखाने की कोशिश भी करी गई। पहले वो एक दमदार टीम को बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, फिर उसे तैयार करने के लिए, और फिर उस टीम की जात के लिए। इन सब के बीच कदम कदम पर आने वाली रुकावटों से अजय को दो चार तो होना ही पड़ता है, वो सब भी इसमें दिखाया गया है। फिल्म में अजय देवगन S.A. रहीम का किरदार निभा रहे हैं। ये मूवी एक बायोपिक है और ऐसे में अजय देवगन से बेहतर शायद ही कोई और एक्टर इस रोल को निभा सकता था। इस ट्रेलर का सबसे खास पहलू है अजय देवगन के कहे गए डायलॉग्स। इसके अलावा सीरियस रोल में जिस तरह अजय किरदार के अंदर घुस जाया करते हैं वो भी आपको कई जगह दिखाई देने वाला है। स्टेडियम में एंट्री वाला सीन हो या अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाला सीन, अजय हर जगह पर आपको छाए हुए दिखेंगे। इस ट्रेलर के कुछ डायलॉग जैसे कि अगर हॉकी खेलना चाहते हो तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा, मुझे लगता था कि आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी लेकिन हम तो अब तक बंगाल और हैदराबाद में ही अटके, जो समझ में ना आए उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये कुछ डायलॉग्स वाकई में मुझे इसके बहुत शानदार लगे। मैदान में अजय देवगन के अलावा प्रियमणि भी हैं, उसमें इन्होंने इनकी पत्नी का किरदार निभाया है। उनके अलावा गजराज राव यहां पर नेगेटिव किरदार में दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी दमदार दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा कई कलाकार हैं जो खिलाड़ियों के किरदारों में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म का डायरेक्शन अमित शर्मा कर रहे हैं, बोनी कपूर ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। बाकी देखना दिलचस्प ये होगा कि थिएटर में ये फिल्म आखिर क्या कमाल के साथ साथ क्या बवाल मचा पाती। इस फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर बोनी कपूर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही फिल्म बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए मैदान की एक स्क्रीनिंग रखी थी। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने तो फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में यहां तक कह दिया था कि मैदान का नेशनल अवार्ड जीतना तय है। मैदान का पहला ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज किया गया था। फिल्म अजय देवगन के साथ प्रियमणि, गजराज राव भी हैं। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने दिया है। मैदान 10 अप्रैल को थिएटर्स में हिट करेगी और फिल्म का अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की मूवी बड़े मियां छोटे मियां से सीधा क्लैश होगा। अब कई लोग क्लैश को लेकर ये कह सकते हैं कि यार क्लैश होने से तो नुकसान होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, पर मुझे लगता है कि मैदान जितने लंबे समय से डिले हो रही थी ना, शायद उस डिले के चक्कर में ही मेकर्स ने बोला होगा यार रिलीज तो करो, अब बाद में देखें। आपको कैसा लगा मैदान का नया ट्रेलर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।